Welcome to CR International School online classes. How are you, student? I think everyone is fine there. Take care of yourself, beta. Class कौन सी है आपकी? Class first. Subject कौन सा पढ़ने जा रहे हैं हम? EVS. बेटा आज हम क्या कर रहे हैं? हमारा कौन सा lesson चल रहा है? Lesson number 17. क्या है ये? Safety rules. यानी सुरक्षा के नियम. इसमें हमने क्या क्या देखा बेटा? सेफ्टी एट होम, सेफ्टी ऑन द रोड और सेफ्टी एट द पार्क. आज हम क्या करने जा रहे हैं? सेफ्टी एट द पार्क. हमने होम सेफ्टी भी देखी, घर में हमने अपने आप को कैसे सेफ रखना चाहिए ताकि हम एक्सीडेंट से बच सके. हमने रोड की सेफ्टी देखी, हम रोड पे कैसे हमने कौन कौन से हमने रूल्स फॉलो करने चाहिए, सेफ्टी रूल फॉलो करने चाहिए जिससे हम ऑन रोड भी हम अपने आप को सेफ रख सके. अब हम देखेंगे एट द पार्क, यानी हम अगर पार्क में जा रहे हैं तो हम अपने आप को कैसे सेफ रखें ताकि हम अपने आप को किससे बचा सके, एक्सीडेंट से, दुर्घटना से बचा सके. चलो फिर स्टार्ट करते हैं. ओके, सेफ्टी रूल्स एट द पार्क. पार्क का मतलब क्या होता है बेटा? बगीचा. पार्क को अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे बगीचा. पार्क मीन्स बगीचा. हमने अपने आप को पार्क में कैसे सेफ रखना चाहिए? व्हाइल, WHILE, व्हाइल. व्हाइल मीन्स जब. WHILE, व्हाइल. व्हाइल मीन्स जब. जब हम वेल प्लेइंग इन द पार्क, जब हम खेल रहे हैं पार्क के अंदर. प्लेइंग मीन्स खेल रहे हैं. वी शुड फॉलो, फॉलो मीन्स पालन करना. हमने पहले भी किया फॉलो का, FOLLOW. फॉलो मीन्स पालन करना, पालन करना. वी फॉलो यानी हमने पालन करना चाहिए दीज सेफ्टी रूल्स. दीज मीन्स ये, THESE, दीज. दीज मीन्स ये सेफ्टी रूल हमने पालन करने चाहिए. कौन से? चलो देखते हैं. वी शुड नॉट स्टैंड क्लोज टू अ स्विंग. स्विंग मीन्स झूला. स्टैंड मीन्स खड़े होना. STAND, स्टैंड. स्टैंड मीन्स खड़े होना, खड़े होना. वी शुड नॉट स्टैंड, हमें खड़े नहीं होना चाहिए. कहाँ खड़े नहीं होना चाहिए? क्लोज टू द स्विंग. क्लोज मीन्स नज़दीक. CLOSE, क्लोज. क्लोज मीन्स नज़दीक. किसके नज़दीक खड़े नहीं होना चाहिए? झूले के नज़दीक. स्विंग्स मीन्स झूला. स्विंग्स मीन्स झूला. जो झूला होता है बेटा उसके पास में खड़े नहीं होना चाहिए. अगर हम पास में खड़े, आगे पीछे खड़े, हम पुश हो सकते हैं, हमें धक्का लग सकता है, है ना. हम गिर सकते हैं, इंजर्ड हो सकते हैं, है ना. तो हमें झूले से दूर रहकर खड़े होना चाहिए अगर कोई झूला झूल रहा है तो. नेक्स्ट है बेटा, वी शुड नॉट पुश. पुश मीन्स धक्का देना. PUSH, पुश मीन्स धक्का देना, धक्का देना. अब क्या लिखा हुआ बेटा इस लाइन में, ध्यान से देखेंगे. वी शुड नॉट पुश, हमें पुश नहीं करना चाहिए. शुड मीन्स चाहिए. वन अनादर वाइल प्लेइंग, एक दूसरे को. वन अनादर मीन्स एक दूसरे को. वाइल प्लेइंग, जब हम खेल रहे हैं. अगर हम खेल रहे एक दूसरे को पुश करेंगे, लग जाएगी, चोट लग सकती है ना. ओके, तो हमने खेलते वक्त क्या नहीं करना? पुश नहीं करना. नेक्स्ट क्या है बेटा, वी शुड स्टैंड इन अ क्यू फॉर द स्लाइड. स्लाइड मीन्स फिसलन जो होती है ना बेटा, आप पार्क में जाते हो जो फिसलन होती है. SLIDE, स्लाइड. स्लाइड मीन्स क्या होता है बेटा? फिसलन. जो फिसलन वाली पट्टी होती है, स्लाइडर होता है, उस पर हमने एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए. और उसमें जाने के लिए हमने क्यू मतलब कतार यानी लाइन बनानी चाहिए. QUE
EUE मतलब कतार, क्यू मीन्स कतार, हमने कतार बनानी चाहिए यानी लाइन में खड़े होना चाहिए। यहाँ पर देखिए बच्चे कतार में खड़े हैं, है ना। इस लेसन में बेटा हमने कौन कौन कहाँ कहाँ की सेफ्टी देखी, होम सेफ्टी देखी, घर में हमने कैसे सुरक्षित रहना है, रोड पर कैसे सुरक्षित रहते हैं, और पार्क में अगर हम जा रहे हैं तो पार्क में किस तरीके से हमने अपने आप को सुरक्षित रखना है ताकि हम अपने आप को उस एक्सीडेंट से बचा सकें। ठीक है बेटा, आपने ये जो सेफ्टी रूल मैम ने बताए हैं, आपने सभी को ये सेफ्टी रूल सिखाने की, हमारी मैम ने ये सिखाया है, ऐसे आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। ओके बेटा, अब आपके सेफ्टी के नियम क्या क्या हमने सिखाए, सेफ्टी रूल्स कीप अस सेफ, जो सेफ्टी रूल्स होते हैं बेटा, सुरक्षा के नियम होते, ये हमें क्या रखते हैं, सेफ यानी सुरक्षित रखते हैं। और हम क्या सीखे हैं, वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स एट होम, हम जो सेफ्टी रूल्स हैं कहाँ फॉलो कर सकते हैं, घर में कहाँ कर सकते हैं, कहाँ घर पे करना चाहिए ना हमने, ऑन द रोड, रोड पे करना चाहिए, एंड एट द पार्क, और हमने बगीचे में भी करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, रेड लाइट सेज स्टॉप, जो रेड कलर की लाइट होती है, हमने इस तरीके से लाइट हमने देखी थी ना कल, हमने जो रेड कलर की लाइट वो होती है वो क्या कहती है, स्टॉप यानी रुक जाओ। नेक्स्ट सेकंड नंबर की कौन सी होती है, येलो, येलो कलर की लाइट क्या कहती है, वेट, क्या कहती है, वेट। नेक्स्ट थर्ड कलर की लाइन कौन सी होती है, ग्रीन लाइट होती है, और वो क्या कहती है, गो, मतलब चलो जाओ, चलते बनो आप, चलो आगे बढ़ो आगे, ये कहती है। ओके, हमने इसमें जो लेसन में पढ़ा आपको ट्रैफिक लाइट भी बनाई, सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से नोट डाउन करना है, हिंदी राइट करनी है, और इस लेसन की बहुत अच्छी तरह से आपने रीडिंग करनी है, और मैम को अपनी रीडिंग की वीडियो सेंड करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।